तेलंगाना से गो कत्ल एवं गो तस्करी से संबंधित एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी के शाहजहां कॉलोनी में अवैध कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा गया, जिसमें बहुत बड़ी कार्यवाही करते हुए हजारों की संख्या में कटने वाले गो कत्ल खाने को सीज किया गया। बताया जा रहा है इस कत्ल खाने को चलाने में कई सफेदपोश भी जिम्मेदार है, इसी के चलते आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। जबकि बताया जा रहा है ये अवैध कारोबार पूरे तरीके से बिना किसी लाइसेंस के धड़ल्ले से चल रहा है, जिसका टर्नओवर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस गो कत्ल खाने में एक दिन में हजारों की संख्या में गो कत्ल किए जाते हैं। इसके बावजूद आज तक किसी भी गोरक्षा दल अथवा किसी के भी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो पाई, जिसे पूरा मामला बड़े सफेदपोश लोगों की संलिप्तता को बयां करता है। इसके साथ ही जानकारी मिली है कि यहां से बड़ी मात्रा में गोमांस विदेशों तक एक्सपोर्ट होता है। गोमांस की तस्करी के लिए बताया जाता है कि बड़े ही आराम से हैदराबाद तेलंगाना से निर्यात होकर कोल्ड स्टोरेज बड़े बड़े कंटेनर्स में सफेदपोश लोगों की मदद से चाइना, बांग्लादेश और गल्फ कंट्री में गोमांस पहुंचाया जाता है। पूरी तरह से गोमांस के निर्यात पर बैन होने के बावजूद भी सफेदपोश लाखों करोड़ों की कमाई के लिए कोल्ड स्टोरेज में विदेशों तक गोमांस की सप्लाई करते हैं और करोड़ों रुपयों का ये यहां पर मुनाफा भी कमाते हैं सिर्फ ये मांस बेचकर। और यहां पर ये भी कह सकते हैं, यहां पर इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि केंद्रीय स्तर तक के सफेदपोश लोगों की साठ गांठ के बगैर ये संभव नहीं हो पाता। आज गो कत्ल करने पर इतनी बड़ी कार्यवाही हो रही है, क्या इसी प्रकार से सभी कत्ल खानों पर जो अवैध रूप से सफेदपोश लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं उन पर कार्यवाही हो पाएगी? गो कत्ल खाने या फिर यूं ही चलते रहेंगे? नवभारत समाचार तेलंगाना से अहमद जबारी की रिपोर्ट। आदाब, जलपल्ली बल्लिया एरिया में आज जो इलीगल बीफ फैक्ट्रीज चल रहा वो इंस्पेक्शन को आया हम लोग बल्लिया से और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज का डिपार्टमेंट से और पुलिस के साथ मिलके आज इंस्पेक्शन करा। इसमें आज अभी तक छः फैक्ट्रीज इंस्पेक्शन करे, इसमें पूरा जो कटिंग चल रहा गाय का पूरा इलीगल है, परमिशंस नहीं है, इसमें एक परमिशन भी नहीं है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नहीं है, वेटरनरी डिपार्टमेंट का परमिशंस नहीं है, म्यूनसिपल परमिशंस नहीं है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन परमिशंस नहीं है, फायर लाइसेंस नहीं है, फिर दूसरा और एक तीन चार लाइसेंस अभी लेना पड़ता है, कुछ भी नहीं है। इसमें ये लोग एक्सपोर्ट कर रहा बांग्लादेश से, चाइना से और अरब कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट चल रहा है, उधर का एक्सपोर्ट पैकिंग लेबल इधर डाल के इधर से उधर भेज रहा। वो जो इलीगल है वो तो प्योर इलीगल थिंग है। वो चाइना का अभी पूरा इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अपन गवर्नमेंट्स की तरफ से बंद कर दिए, फिर भी यहाँ से चाइना को इलीगली लारीज में वो कंटेनर्स एसी कंटेनर्स में भेज के पोर्ट से भेज रहे, वो भी दो व्हीकल्स भी सीज कराया, वो कंसर्न पुलिस स्टेशन बालापुर में हैंडओवर कर दिया। और इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स हम पूछे वो नहीं पता, हमारे को नहीं पता है, इसी वजह से पूरा कंपनी इसको सील कर रहे हैं। इसके बारे में हम हायर ऑफिशियल को इंटीमेशन दे देंगे, तब इंक्वायरी करा तो स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोस इंडस्ट्री ओनर्स। बड़े बड़े लोगों को हाथ है नहीं बोल के अपन को नाम नहीं बोल सकते, जो हमारा गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है, हमारा म्युनिसिपल एक्ट है, वो म्युनिसिपल एक्ट की तरफ से हम जो एक्शन लेना ले तो। मदीना हिल्स कॉलोनी में ये हमारी मस्जिद है, मदीना मस्जिद, यहाँ पर जैसो इलीगल जैसो यहाँ पर हरकतें हो रही और बड़े जानवर का गोश वगैरह सब ये बदबू आ रही है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर यतीम बच्चे हैं, फिर बच्चे हैं बीमार हो जा रहे हैं, लिहाजा इस चीज़ को बंद किया जाए और हुकूमत से इल्तिजा करता हूँ कि इस चीज़ को बंद किया जाए। बदबू बहुत रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, यतीम में सिर्फ बच्चे हैं, तो इसलिए जैसा हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करता हूँ कि इसको रोका जाए। सुना मदीना हिल्स कॉलोनी।